342,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है राजस्थान, जिसे 33 जिलों और 7 संभागों में बांटा गया है। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ोती, शेखावाटी, मेवात और बांगड़। सांस्कृतिक तौर पर राजस्थान इन 7 क्षेत्रों में बंटा है। हर एक इलाके की अपनी बोली, अपने रिवाज और अपने तौर तरीके हैं। आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे रिवाज के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इस रिवाज को कहते हैं अमल की मनुहार। इस प्रथा को रेयान भी कहा जाता है, जिसमें सगे संबंधी आपस में मिलकर अफीम लेते हैं। सालों पहले इसे मनुहार के तौर पर रिवाजों में शामिल किया गया था, लेकिन जब लोगों को इसकी लत लगने लगी तो सरकार ने इसे बैन कर दिया। अब ये रिवाज राजस्थान के कुछ हिस्सों और किताबों में ही सिमट कर रह गई है। रियान का इतिहास क्या है, ये शुरू कहां से हुई, क्यों इसे बैन किया गया और कैसे राजनेताओं ने अपना पॉलिटिकल करियर चमकाने के लिए, या यूं कहे कि अपना पॉलिटिकल करियर सेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, आज हम ये सब कुछ जानेंगे इस रिपोर्ट में, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देना है। सबसे पहले ये जानते हैं कि रियान आखिर शुरू कैसे हुई। ये बात 15वीं सदी की है। नागौर के पीपासर गांव में लोक देवता जम्बू जी का जन्म हुआ। जम्बू जी ने विश्नोई समाज की स्थापना की। विश्नोई समाज के लोग जम्बू जी के बनाए गए 29 नियमों का पालन करने लगे और शराब और मांसाहार को छोड़ दिया। उस समय जम्बू जी का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि दूसरी जाति के लोगों ने भी शराब से तौबा कर ली और शाकाहारी हो गए। लेकिन शराब का स्थान अफीम ने ले लिया। अब लोगों ने सुख दुख में शराब की बजाय अफीम से मनुहार करना शुरू कर दिया। डिंगल भाषा में अफीम को अमल भी कहते हैं, इसीलिए लोग इसे अमल की मनुहार और इस प्रथा को रेयान कहने लगे। अगर अफीम के फायदों की बात करें ना, तो ये एक मेडिकल प्लांट है। दर्द को दूर करने वाली दवाओं में इसका बड़े लेवल पर इस्तेमाल होता है। पुराने जमाने में जो भी योद्धा युद्ध करने के लिए जाते थे, वो मल मूत्र रोकने के लिए अफीम का ही इस्तेमाल करते थे। जब रियान की शुरुआत हुई तो शादी ब्याह में खुशी मनाने, मृत्यु में शोक भंग करवाने के लिए, झगड़े सुलझाने के लिए अफीम को प्रेम से लिया और दिया जाता था। एक बार जो अफीम पी ली, मतलब सब बैर खत्म। रियान का तरीका भी बड़ा शानदार होता था। सुबह ढिंडोरा पीट कर न्योता दिया जाता है, जिसके बाद गांव के लोग एक जगह